अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एटसेट वाना पिजन। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत होंगे। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो यार सब दोस्तों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। और आज दोस्तों ईद का माशाल्लाह से दूसरा दिन ना, खैर और वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि उसकी वजह ये थी कल तो खैर ईद में मसरूफ़ थे और शाम के टाइम भी जो है ना थोड़ी देर मैं ऊपर आया था लेकिन काफ़ी गर्मी दोस्तों कल पड़ रही थी। आज आपके मेरे बाल उड़ते देख के आइडिया लगा रहे होंगे कि अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने इतना प्यारा मौसम कर दिया ना हवा के लिहाज से। तो धूप खैर निकली हुई है दोस्तों लेकिन जो है ना हवा इतनी मज़े की चल रही है ना, ये देखें ये झंडा आपको नज़र आ रहा होगा, तेज़ हवा चल रही है। और अभी दोस्तों जो है ना मैंने बच्चे उड़ाए हुए थे थोड़ी देर पहले ही, एक ये ऊपर आया, ये दोस्तों एक छोटा सा बच्चा ऊपर आया छत पर, ये गिर पड़ा, ये देखें ये दोस्तों बस बैठने लगा, किधर गया ये ऊपर ही है बस बैठ गया दोस्तों, ये समझे नहीं बैठा, आगे बढ़ गया यार, कहाँ से बढ़ गया आगे। वो दोस्तों बिल्कुल बैठता बैठता ना बच्चा आगे बढ़ गया, वो चला गया जाल पे, ये देखें। तो बच्चे मैं आप दोस्तों को बता रहा था मैंने उड़ाए हुए थे और ये अगर मुड़ के आ गया तो इसने आ जाना है, वो निकल गया। छोटा सा बच्चा था पर हाल यार बहुत ही सियानी चीज़ था, जिस तरह की उसने सियानत दिखाई है ना, छा गया बच्चा यार। इस तरह के ही बच्चे होने चाहिए दोस्तों के वो देखें हमारा घर नहीं है, और बिल्कुल गिर पड़ा था ऊपर से ही, वो गिर पड़ा छत के कबूतर देख के ना, लेकिन उसने अपनी अक्ल दिखाई है और जो है ना वो निकल गया। बाकी दोस्तों बच्चों का मैं आपको बता रहा था, बच्चे शच्चे जो है ना हमने उड़ाए हुए थे, एक मिनट कॉल आ रही। अच्छा ये देखें ये माशाल्लाह से नया बच्चा, बच्चे हमने अभी उड़ाए हुए थे और अपने माशाल्लाह से बच्चे जो है ना बड़ा ज़बरदस्त फिर फूर के बैठे हैं, तकरीबन कोई तीन चार पांच बच्चे दोस्तों और जो है ना हमने पक्के करना शुरू कर दिए हैं। और तकरीबन जिसमें से एक तो ये बच्चा बड़ा रुल के आया था ना, ये तो अपना समझे पक्का हो चुका है, ये चेक करें ये वाला बच्चा, ये समझ लें गिज गया, उस दिन पूरा दिन रुल के आया था, आज भी उड़ के सही बैठा, कल भी सही बैठा था परसों। तो उसके अलावा दोस्तों एक बच्चा भी उड़ा था तो वो नीचे गिर गया, मैं आपको दिखाता हूँ। फिर दोस्तों मैंने कहा यार ये बच्चा किधर गया, मैं भी आपको जो है ना वो दिखाता भी हूँ बच्चा, मैंने छेड़े थे छोटा बच्चा ना ऐसे जंगली आया उसके साथ ऐसे ऐसे डरता डरता ना इधर कहीं गिर गया, और मैंने कहा यार डरा है वापस घूम के नहीं आया, काफ़ी कोई 20-25 मिनट ये बच्चा इधर कहीं बैठा रहा नीचे छत छुत में। उसके बाद जो है ना ये बच्चा खैर उड़ के वापस आ गया ऊपर, तो ये वाला बच्चा है सबस रंग वाला, ये भी हमने नया छोड़ा था। बाकी दोस्तों आज सेकंड डे है ईद का, कल जो है ना इंतहा दर्जे की दोस्तों गर्मी पड़ रही थी जिसकी वजह से जो है ना वैसे ही एकदम मसरूफियत थी। दूसरा मैं शाम को ऊपर आया भी था छत पर थोड़ी देर, मैंने कबूतर भी बाहर छोड़े थे लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मैंने जो है ना वीडियो वगैरह नहीं बनाई। मैंने कहा चलें यार एक दफ़ा फिर से सब दोस्तों को, जितने भी दोस्त देख रहे हैं सबको ईद मुबारक हो, और इस ईद पे यही दुआ है दोस्तों अल्लाह ताला से कि जिन लोगों ने भी कुर्बानी की है सबकी जो है ना अल्लाह ताला कबूल फरमाए। उसके अलावा जो है ना क्योंकि जो है ना कहते हैं कि माल का दारुलमदार नीयतों पर, अल्लाह ताला सब बेहतर जानता है किसकी क्या नीयत होती है। बाकी दोस्तों कबूतर माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बाहर फिर रहे हैं कबूतर, और सिर्फ अपने पास दो बच्चे बंदे हुए रह गए हैं, बाकी तकरीबन 10 बच्चे हमने बाहर खोले हुए हैं। एक दोस्तों ये बच्चा रह गया ऑरेंज रंग वाला बंदा हुआ, और एक बच्चा ये कलपोटिया रह गया बंदा हुआ, ये भी मैंने इसलिए नहीं खोले क्योंकि यार पहले इतने सारे नए बच्चे छोड़े हुए हैं, 5-6 नए बच्चे दोस्तों मैंने खोले हैं, तो मैंने कहा पहले इनको पक्का कर लें बजाय कि ये अगर हम खोल भी दें और इन्हें फ्रेम में रखें उससे बेहतर है कि ये बंदे हुए छत पे फिरें, क्योंकि जितने ज़्यादा कबूतर बाहर होंगे ना खुले हुए बच्चे नए, अभी तो कबूतर डर के उड़ जाते हैं, अगर एक दो तीन चार होंगे तो अब तो ये भी एक दो दफ़ा उड़ के बैठ चुके हुए हैं, तो आपके लिए 4-5 पे भी नज़र रखना मुश्किल हो जाती है, एक इधर गिरने लग जाता है किधर गिरने लग जाता है, फिर दाएँ बाएँ हमारे शिकारी ज़रा आता है तो वो तो वैसे ही इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जी हमजा साहब का कबूतर उड़े तो हम जो है छेड़ लगाएँ और पकड़ें। तो इस वजह से जब मैंने कहे 3-4 जो छोड़े हैं बाहर, 5 और मज़ीद इनसे पहले भी 4 बच्चे छोड़े हुए थे, तो मैंने कहा जो छोड़े हैं इनको पहले चक्कर शक्कर लगा लें बिठा लें, एक दो दफ़ा जिसने भागना है वो भाग जाए, जिसने रहना है वो रहे, उसके बाद जो है मैंने कहा दो ही बच्चे रह गए। अभी ये बच्चा बिल्कुल बैठने लगा था आपने वीडियो में देखा, यकदम गिर पड़ा ऊपर से लकशक मार के, लेकिन इस तरह के ही बच्चे होने चाहिए, उसने देखा मेरा घर नहीं है शूटर ही हो गया इधर को निकल गया। बाकी दोस्तों बच्चा मैं आपको ज़ीरा दिखाता हूँ, ये भी बच्चा जो है ना अपना पक्का हो गया एक नया,
ये बच्चा 3-4 दफा उड़ के आ चुका है। हरा बच्चा मैंने खोल दिया हुआ मुकम्मल तौर पर ही, ये बैठा हुआ ऊपर हरा। और हरा जो है ना फिलहाल सबसे समझ लें नया यही है अभी। उड़ भाई जीरे बच्चे, ये आगे दो दो बार बच्चे उड़ के दोस्तों आ चुके हैं। ये हरा एक दफ़ा उड़ा था, ये हरा ना भाई बिल्कुल नया बच्चा, तो मैंने कहा चलें ज़रा इसको एक दफ़ा फिर से चक्कर लगवाएं, ये चेक करें। ये दोस्तों मुझे ना कोई इतना ज़्यादा सियाना नहीं लग रहा बच्चा, बाकी अभी क्या कुछ नहीं सकते, पहली पहली कली इसने झाड़ी है बच्चे ने, छोटा बच्चा। ये ज़ीरा बच्चा उड़ रहा है और ये अपना पक्का बच्चा खैर कल परा, ये पीछे वाला ज़ीरा। तो बाकी बच्चे जो है ना हरे की नस्बता मुझे वक्ती तौर पर ज़्यादा सियाने बच्चे लग रहे हैं, और पता कोई नहीं है बहरहाल किसी के हराई क्या चीज़ निकला है सबसे तूफ़ानी बच्चा बन जाए, क्या कुछ नहीं सकते। बहरहाल ऊंचे हो गए हैं बच्चे, ये देखें हवा चल रही है दोस्तों आज तेज़, तो हवा के अंदर खैर हवा है अभी, पीछे की उड़ाने तो नहीं चाहिए बच्चे ख़ास तौर पर, लेकिन मैंने कहा यार नहीं पंगा लेना इनसे, सुबह हवा इन्हें उठा उठा के पीछे फेंक रही थी। ये देखें दोस्तों ये और बच्चे उड़ने लगे हैं, ये सारे माशाल्लाह से बच्चे हैं। ये बच्चा जो है ना इधर कहीं नीचे आके गिर गया था, ये ज़ीरा बैठने लगा, वो बैठ गया ज़ीरा, दो नीचे से और उड़ गया। ये भी नया बच्चा है, ये भी नया बच्चा है, हरा भी नया बच्चा है, और कौन सा उड़ा था ज़ीरे के साथ एक बच्चा था वो बैठ गया। तीनों ही दोस्तों नए बच्चे हैं बिल्कुल, जो पहले के गिरे गुड़े हुए हैं ना बच्चे वो वाले खैर बैठ चुके हैं हमें। ये देखें दोस्तों ये उड़ गया रे रंग वाला, उधर से हरा उड़ गया, इन्हें अब छः लगा के बिठानी पड़नी है। ये भी दोस्तों नया बच्चा छोड़ा हुआ है, ये शाम को पकड़ा था हमने उड़ा हुआ, मैंने खोल दिया हुआ, मैं कह जाए ऐश कर। वो दोस्तों हरा फिर रहा है, ये हरे रंग वाला बच्चा फिर रहा, ऊंचे हो गए दोनों। खैर इन्हें मैं ज़रा छेड़ लगा के बिठा लूँ, उसके बाद मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। नहीं दोस्तों ये बच्चा बैठने पे आ गया, हरा बच्चा वो आगे उड़ा भी ऊंचा ही है वो वाला। ये भी हमने कुछ अर्सा पहले हफ्ता पहले बच्चा पकड़ा था, आप दोस्तों के साथ शेयर किया था वीडियो के अंदर ही, और इस दीवार पे बैठा था बल्ब के ऊपर, और यहाँ से उड़ के जाल पे काफ़ी इसने खपाया था। खैर हमने इसे पकड़ लिया था और हमने इसको हफ्ते बाद छोड़ दिया कि जाओ बेटा ऐश करो। ये काला भी बैठने पर आ गया। जितनी दोस्तों बच्चों की ये चीज़ होती है, जितनी आप जल्दी छोड़ोगे ना उतनी जल्दी बच्चे आपके पास पक्के हो जाएंगे, लगेंगे बच्चे। ये हरा तो पहले बैठ गया, ये देखें ये शहजादा, ये दोस्तों हरा बैठ गया, अब ये अकेला ही रह गया। ये ना आगे ऐसे जंगली के साथ हुआ, डरता डरता नीचे की छत छुत पे गिर गया था, मैं कहा यार लगता है निकल गया, कोई 20-25 मिनट बाद उड़ के आया ये बच्चा। पहले थोड़ा बीमार हो गया था लेकिन अब ये सेट हो गया हुआ। ये देखें दोस्तों बैठता बैठता फिर उठ गया, ये बैठने पर आता है, मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। ले दोस्तों बच्चा एक बार फिर से बैठने पे आया, जैसे ही मैं वीडियो ऑन करता हूँ वो ऐसे ऊपर को हो जाता है, पता नहीं क्या उसको पता लग जाता है कि जी हम जाने वीडियो ऑन कर लिया, हाइट की तरफ को बढ़ता है, आगे बढ़ गया था वो चला गया, आने लगा मुड़ के। ये आ रहा है दोस्तों ऊंचा हो गया, चलें ये फिर बैठने पर आता है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। नीचे आया था मैंने वीडियो ऑन किया, वो ऊँचा हो गया, चल बच्चे बैठ जाए इतना जोर ना लगा। लें दोस्तों बैठने पे फिर से आता है तो वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा दोस्तों ये माशाल्लाह से बच्चा आ रहा बैठने के लिए, ये शहजादा आ जा बेटे बैठ जा। अच्छा इसके साथ दोस्तों वीडियो स्टॉप की थी ना, इस दौरान एक चीना सा बच्चा और छोटा सा आया था, वो भी खैर बैठता बैठता ना निकल गया, इधर को चला गया, मेरा ख्याल इधर से ही किसी का उड़ा था, किसी ने ना हमारे बच्चे की लगाई है छेड़, तो वो आगे बढ़ के आ गया था सर, लेकिन जो है ना वो बैठा नहीं निकल गया। ये देखें कैसे करंट दिखा रहा है। ये दोस्तों भी थोड़ा ना बच्चा बीमार हो गया था ये शहजादा, तो आप दोस्तों के सामने पकड़े हैं, जो भी दोस्तों हम पकड़ते हैं हम छोड़ देते हैं, कबूतर हो बच्चा हो, ये देखें तो जल्दी छोड़ते हैं, इसी वजह से हमारे पास गिज गुज जाते हैं। ये बच्चा था दोस्तों जो कि उड़ा था आपके सामने, बड़ा अच्छा फिर के बैठ गया, अब ये थोड़ा सा ना बीमारी से निकला है ताज़ा ताज़ा, तो इस वजह से भी ये थोड़ा सा इस तरह की हरकतें करता है। बाकी इधर से कहीं से बच्चा उड़ा था और जाके वो बैठ गया चीना था, इसकी छेड़ लगाई दी होगी किसी ने ना, इधर छतों पर रखे हैं मैं नीचे कबूतर। ठीक है दोस्तों ये थी आज की वीडियो, बाकी जो है ना वीडियो बनाने का मेन मकसद तो यही था ईद के हवाले से ही कि यार चलें सब दोस्तों को एक दफ़ा ईद मुबारक कह दें। उसके अलावा ये दोस्तों वो चीना बच्चा आ रहा है, इसको नीचे उतारता हूँ कबूतरों को, ये देखें वो जा रहा है। कल परे दोस्तों बहरहाल बच्चे ने जो इस तरह की हरकत की है ना,
वो बच्चा छा गया, ये आ गया, इस ये बैठ गया। ले दोस्तों जी बच्चा बनने पे बैठ गया, किसी का बच्चा है। और ये बच्चा आया था हमारा, बच्चा बैठते हुए, रुको जरा आप इधर ही रुको, मैं दाना फेंकता हूँ थोड़ा सा, रुक जाओ, रुक जाना, उसने भी ना दरवाज़ा खोलना। ले दोस्तों लाइव ही वीडियो में आपके सामने एक कबूतर आके बैठ गया, और फिलहाल इसको जो है हम पकड़ने की अब कोशिश करेंगे। वीडियो पहले ही बड़ी लंबी हो गई है, मैं तो एंड करने लगा था। आ जाओ अब ऊपर आप। बच्चा आ गया ना, एक आया कल परा, छोटा सा, बड़ा ऊंचा। मैंने उसको ना वीडियो में बना रहा था, मैंने चलते चलते ना उसे कबूतर दिखाए हैं, वो जी ऐसे ऊपर से यकदम ही गिर पड़ा। छोटा सा बच्चा होना, बंद गली का हो शायद, ये तो लादा है चीना, वो था कल परा, तो वो जो है ना ऐसे बिल्कुल बैठता बैठता निकल गया। मैं कह इस तरह के बच्चे ही होने चाहिए, बड़ा सियाना बच्चा था अपना, आगे अपना ना इधर कहीं नीचे गिरा हुआ था, तो वो 15-20 मिनट के बाद उड़ा है। मैंने तो कहा लगता कहीं निकल गया, अंदाज़ा मेरा यही था कि वो कहीं नीचे ही गिरा। ले दोस्तों इसको खैर पानी शानी दिखाते हैं, और उतरता है तो फिर इसको पकड़ लेंगे, अगर नहीं उतरा तो फिर इसकी मर्ज़ी। ये बच्चा बैठा, बच्चा दोस्तों ये तेज़ है, और ये हमने कनाली बाहर रख दी है, पानी की बोतल है, डालो पानी। ले दोस्तों अगर ये उतरता है तो फिर वीडियो मैं ज़रा कंटिन्यू करता हूँ। डाल लो पहले पानी। ये दोस्तों बच्चा जो है ना है अच्छा खासा पला हुआ बच्चा लग रहा है, और पानी शानी इसको दिखा रहे हैं। अगर तो ये उतर आया तो आपके सामने शिकार हो जाएगा, नहीं तो फिर मेरा ख्याल है पानी डाल के ना इसको डंडे से उतार लो, इसने सांस लेके उठ जाना, उसने अपने आप नहीं उतरना इसके अलावा। ये दोस्तों बच्चा फिलहाल किरका पर है, ये देखे मुँह खोल के बैठा हुआ। तो खैर ईद का सेकेंड डे है, और बच्चा जो है ना अपने पास एक बैठ गया, एक बैठता बैठता निकल गया, अपने माशाल्लाह से पूरे हो गए हैं। उतार लो इसको डंडे से। गर्मी दोस्तों जो है ना आजकल का जो सीन है ना, 8 बजे से ज़्यादा आप ऊपर बैठ नहीं सकते हो, 8, 8:30, उसके बाद बैठना मुश्किल हो जाता है। लें दोस्तों बच्चा उतर आया, इधर आओ इधर अब आप, मैं इसको पकड़ता हूँ। लें दोस्तों मैं इसे पकड़ने की ट्राई करने लगा हूँ। ये बच्चा है चीना सा, पहले बाहर से दाना फेंक दो, यहाँ पे पकड़ो जरा, मेरा ख्याल है कि वो अंदर वाले, रुक जाओ पहले देखें दाना पे मुंह मारता नहीं तो फिर अंदर करना। अस्सलाम वालेकुम नाब, देखें हमदा साहब लगे हैं ट्राई करने। मैंने तो उन्हें मशवरा दिया है कि पिंजरे के अंदर जाना चाहिए, दोनों पिंजरे खोल लो, पे मुंह नहीं मार रहा यार। नहीं जबरदस्ती करो, दोनों पिंजरे तुम्हारे पास फ्री हैं, खोलो चला जाएगा। किसी ना किस तरफ से जाएगा ना, सांस लेके ना है ही, किसी का बच्चा गिरा गुरा हुआ, पहले ये ना निकल गया बैठता हुआ, दोबारा आया। दाना और दिखाओ जरा, पानी की तरफ जाना लगा, अंदर फेंक। ये बिल आखिर खतरा वो ले लिया। ईद वाले दिन शिकार हो गया, ये लो इसकी कड़ी उतारो, फिर वीडियो में इसका शौक करवाते हैं। ताली कड़ी, कड़ियाँ इस तरह की आजकल लगता है फैंसी चल रही हैं। दिखाओ जरा, शौक करो, वीडियो एंड करें। ले दोस्तों ये इसकी आंख है, ये देखें पर दिखाओ। बाकी जो दोस्तों चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को दबा लें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उसी साइड का पर दिखाओ। ये दोस्तों बच्चा था, ओवरऑल एक दो गली गई है। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें, तब तक अल्लाह हाफिज़।